दोस्तों क्या रंगत आ गए यार, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया यार। ये देखो दोस्तों, ये देखो यार, क्या रंगत आ गई है इसकी, क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप? ठीक हम। क्या नाम है भैया आपका? असलम। असलम भाई, कितना टाइम हो गया आपको ये नॉनवेज बनाते हुए? ये 15 साल हो गए लगभग। 15 साल हो गए। अच्छा असलम भाई, बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि एक अच्छा नॉनवेज, क्योंकि ये माना जाता है कि एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ को करने के लिए, और आपको 15 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल से आप नॉनवेज बना रहे हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि मटन कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है। तो आइए हमारे साथ, आज हम बताते हैं आपको A to Z सारा। 15 किलो का मटन कोरमा बनाने वाले हैं अभी। ओके, बताएंगे हम कैसे क्या बनाना होता है। तो असलम भाई, कितना वक्त लगेगा कोरमे को रेडी होने के लिए? ये लग जाएगा आधा घंटा लग जाएगा, हाफ एन आवर लग जाएगा। तो चलिए असलम भाई, स्टार्ट करते हैं और आप वन बाय वन पूरा का पूरा हमें जो भी मटन बनाने का प्रोसेस है वो हमें बताते रहिएगा वन बाय वन। ठीक। तो चलिए दोस्तों, असलम भाई के साथ चलते हैं और देखते हैं कि मटन कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है। बने रहेगा वीडियो में, पूरी की पूरी रेसिपी आप। तो फ्रेंड्स, ये हो जल गया है चूल्हा और इसमें आ गया मटन। मटन आप देख सकते हैं कितना मटन है भैया, ये 15 किलो। उसमें 15 किलो मटन है और आज हम आपको प्रॉपरली मटन का मटन कोरमा दिखाएंगे किस तरीके से, पूरी की पूरी रेसिपी आपको बताने वाले हैं आज और वन बाय वन स्टेप दिखाएंगे, वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये आ गया इसमें तेज पत्ता। उसमें 15 किलो मटन में ये आ गया मसाले, ऊपर से तेज पत्ता डाल दिया गया है और अभी धीरे धीरे दालचीनी काफ़ी सारे, हाँ इसमें जो मसाले हैं वो काफ़ी मिक्स मसाले हैं आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये आ गया दोस्तों अदरक लहसुन का पेस्ट, देखिए दोस्तों। इसमें नमक, 2 स्पून नमक डाला गया है आप देख सकते हैं। दोस्तों ये बॉयल आ चुका है मटन में और अब इसके अंदर आएगी प्याज। प्याज ना भी ये देखिए कितना किलो प्याज है, कितना किलो प्याज है, ये 3 किलो प्याज है आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट इसको 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के बाद ये बॉयल हो गया आप देख सकते हैं। अभी भैया इसमें डाल दिया प्याज, बॉयल प्याज है, ये बॉयल की हुई है, बॉयल की हुई प्याज है आप देख सकते हैं। मिर्च, ये आ गया लाल मिर्च, इसको ले आ गया इसमें लाल मिर्च का पाउडर। दोस्तों ये आ गया इसमें धनिया पाउडर, आज प्रॉपर आपको मटन कोरमा दिखाने वाले हैं तो प्रॉपर वीडियो में बन रहेगा आप। अभी हम भैया से बात भी कराएंगे आपकी और प्रॉपर ये देखिए इसमें धनिया पाउडर आ गया। अब इसको अगर अभी मिक्स हो रहा है, अब दोस्तों आप इसको मिक्स कर रहे हैं, अब इसको प्रॉपरली मिक्स किया जा रहा है। देखिए 5 मिनट मतलब 5 मिनट इसको पकाया जाएगा मिक्स करके, आप देखिए। मसाले 5 मिनट इसको बॉईल कर लिए, अब आ रही है इसमें मिठाई, ये देखिए अभी मिठाई का यूज किया जा रहा है प्रॉपरली। ये आ गई दोस्तों इसमें मिठाई, अब इसको मिलाया जाएगा आप देखेंगे। 5 मिनट मिलाया जा रहा है, 5 मिनट दोस्तों इसको मिलाया जाएगा, भैया इसको मिला रहे हैं आप देख सकते हैं। और दही डालते ही जो इसका कलर है वो चेंज हो चुका है और रंगत इसकी मसाला बहुत बढ़ गई है आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब आ गया इसमें रिफाइंड ऑयल, ये देखिए कितना रिफाइंड यूज किया भैया, 5 किलो रिफाइंड डालते ही इसमें जो उसकी रौनक बढ़ गई है, इसका जो कलर है प्रॉपरली चेंज हो गया आप देख सकते हैं, पूरा रेड ग्रेवी जो हो गई पूरी रेड हो गई है इसकी, और क्या कलर आ गया यार इसका, बेहतरीन क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आप ये देख सकते हैं। नहीं
क्या डाल रहे हैं हम? ये क्या है? ये है मगज। ये तो मगज। मगज ओके। कहीं कहीं पे इसको विंग भी कहते हैं। तो इसलिए इसको किस लिए यूज़ करते हैं? ये इसमें कलर सही हो जाता है। ओके ओके। उस उसमें डाल दिया मगज, उसमें कलर वो चेंज किया जाता है इसको, एक कलर के लिए बेसिकली डाला जाता है। आ रहा है इसमें नारियल पाउडर, ये देखिए ये है नारियल का पाउडर, ये जिसमें डाल दिया है। और आप दोस्तों आवाज़ सुन सकते हैं इसकी, जो बॉयलिंग की आवाज़ है, जो ये जो कुकिंग हो रही है इसकी जो आवाज़ आप देख सुन सकते हैं, कितना बेहतरीन कलर आ गया है इसमें। अभी देखिए और क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भैया, बहुत ही बढ़िया। ओ माय गॉड, ये देखिए दोस्तों आप आ गया इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, ये देखिए हाथ का बना हुआ, खुद के हाथ का मसाला है जो भैया खुद ही बनाते हैं, यहाँ पर बाजार का मसाला नहीं यूज़ करते ये लोग, ये देखेंगे आप दोस्तों। ये हो गया कोरमा दानेदार, ये देखिए क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया यार, क्या रंगत आ गई है। आप क्या आएगी इसमें तली हुई प्याज दोस्तों, आप आ रही है इसके ऊपर फ्राई की हुई प्याज, ये देख सकते हैं ये तली हुई प्याज आ गई इसके ऊपर, खुद की तली हुई है। अच्छा नहीं है, ओके, बाजार से भी आती है तली हुई प्याज? तो दोस्तों ये आ गई इसमें तली हुई प्याज, खुद की इन्होंने बनाई हुई प्याज है यहाँ पे, खुद ही ये होटल पे प्याज को तलते हैं। और ये देखिए बाजार वाली प्याज नहीं यूज़ कर रहे हैं, प्याज डालते ही ये कलर आप देखिए कि पूरा का पूरा मटन कोरमे का जो कलर है वो बहुत ही बेहतरीन हो गया है, और रंगत आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन रंगत आ गई है इस पर। ये क्या बात है, अभी कितना वक्त और लगेगा? तो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रंगत ही इसकी बता रही है कि ये तैयार होने वाला है, वो हम बस 5-10 मिनट और लगेंगे और ये फाइनल आपको दिखाएंगे फिर हम लोग। दोस्तों क्या रंगत आ गई यार, क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया यार, ये देखो दोस्तों, ये देखो यार क्या रंगत आ गई है इसकी, क्या खुशबू आ रही है दोस्तों, बहुत ही ऑसम है यार सीरियसली। फ्रेंड्स ये हो गया फाइनली मटन कोरमा रेडी, ये देखो क्या पीस आ गए यार, क्या लग रहा है दोस्तों, ये पूरा पूरा हमें हाफ एन आवर लगा है ना भैया, हाफ एन आवर लग गया हमको उसको रेडी करने के लिए। और ये देखो यार क्या लग रहा है भैया, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों ये थी आज की मटन कोरमा रेसिपी, कैसी लगी आपको वीडियो में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और आज की मटन रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों।